वित्त मंत्री जी को ये दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अगर अकेले में डांटे ना मुझे। जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर दोबारा वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार पर। आप चुनाव जीत जाओ लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये बार में आया क्योंकि वित्त मंत्री जी को ये दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अगर अकेले में डांटे ना मुझे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? पेपर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है मान्यवर। ये सदन की अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी को बता रहा हूँ मैं। हाँ मालूम होना चाहिए कम से कम। मैं बता रहा हूँ, इसका रिलेटेड पढ़ूंगा मैं। पर अगर हो तो भेज दीजिए, टेबल कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय मैं ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, मुझे बोलने तो दो। और आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ? आप कहां आलू खरीदा आपने? 1 किलो आलू खरीदा बताइए। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही थी, जवाब देना जरूरी है। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया, और इस बार भी जितने वादे किए, 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था। यह है क्रेडिबिलिटी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा एक मत शांत रहे। अध्यक्ष महोदय, आप क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं ना कुछ, मैं बैठ जाता हूं, एक बार बताइए। सबसे बड़ी यह है कि हम जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर दोबारा वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार पर। यह है क्रेडिबिलिटी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हम उसी वजह से यहां पर बैठे, उसी कारण यहां पर बैठे, और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना आपने, यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है आपकी? यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है ना? अच्छा, ये क्या था फिर? ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते, और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन ये भाई। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, बहुत सी चीजें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है।